राजनीति में कोई सगा नहीं होता। सत्ता के लिए पति पत्नी, भाई और भाई भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं और एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार भी करते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी अपने बेटे अनिल एंटनी के खिलाफ प्रचार करते नजर आएंगे। अनिल को BJP की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। BJP ने अनिल एंटनी को केरल के पठानमिट्ठा सीट से उम्मीदवार बनाया है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कांग्रेस के नेता AK एंटनी ने कहा कि अगर उनकी सेहत ठीक रही तो वो अपने बेटे अनिल के खिलाफ प्रचार करेंगे और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील भी करेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने त्रिवेंद्रमपुरम में काम किया था, लेकिन इस बार वो त्रिवेंद्रमपुरम से बाहर काम करेंगे। आपको बता दें कि अनिल एंटनी पिछले साल अप्रैल में BJP में शामिल हुए थे, जिसके बाद BJP ने उन्हें इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में पठानमिट्ठा सीट से टिकट दिया है। अनिल का ये पहला चुनाव है। BJP के लिए वो सीट काफ़ी अहम है, जिस सीट से वो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। हालांकि ये मुश्किल भरी भी है। वहीं अनिल के लिए भी ये बड़ी परीक्षा होगी। BJP में शामिल होने से पहले अनिल कांग्रेस के डिजिटल मीडिया प्रभारी, AICC सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन सेल से जुड़े थे। खबर थी कि कांग्रेस के साथ मनमुटाव के चलते उन्होंने BJP का दामन थामा था। बेटे अनिल के BJP में शामिल होने से पिता AK एंटनी खासे नाराज थे। उन्होंने कहा था कि बेटे के इस फैसले के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें TV के जरिए पता चला। उनकी माँ ने बेटे के फैसले का समर्थन किया था, हालांकि बाद में AK एंटनी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। लेफ्ट और कांग्रेस के गढ़ में अनिल एंटनी भाजपा की नौका केरल में कैसे पार लगाते हैं, ये तो आने वाले 4 तारीख को पता चल जाएगा।